संगीता जी हैं जो कि आप आगे आ जाओ। दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन में उनकी धर्मपत्नी कुंवरानी देवनानी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज कार्यक्रम को लेकर वे क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए। सर आपका दैनिक रूप में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चैंपियन साहब क्या कहना चाह रहे हैं महिलाओं को जिस तरह से आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? देखिए भारतवर्ष में जो मातृशक्ति का स्थान है सर्वोच्च रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, कहीं से वर्ल्ड में अमेरिका से रशिया से चला हो, लेकिन भारतवर्ष की जो सभ्यता है वहाँ शुरू से ही नारी का सम्मान रहा है। चाहे सीता माता हो, चाहे द्रौपदी हो, कहीं से आप लेके चलिए। और आज हम जहाँ उत्तराखंड में खड़े हैं, उत्तराखंड की पहचान हमारी मातृशक्ति से है। हमारी आदरणीय माताओं और बहनों ने जो संघर्ष करके उत्तराखंड का सर्जन कराया और उसके बाद भी जो संघर्ष करने में सबसे आगे आती हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आने वाले समय में उज्ज्वल भविष्य की अपनी मातृशक्ति के लिए कामना करता हूँ। हम देख रहे हैं कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन महिलाएं सड़कों पर उतर कर रही हैं कि आपकी सरकार द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाने जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए महंगाई बड़ा टेंटेटिव सब्जेक्ट है। जब नेशन वाइड इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रा स्फीति बढ़ती है, तो महंगाई स्वतः बढ़ जाती है, कोई नई बात नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कंट्रोल होता है, खाली राष्ट्र की बात नहीं है। लेकिन विपक्षी जो है, विपक्षी दल, उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, इसलिए महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। ये तो हमेशा से होता है। देखिए रुपी डिवैल्यू हो रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो महंगाई लोगों को दिख रही है। लेकिन एक राष्ट्रभक्त के रूप में जो नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधान सेवक हमें राष्ट्र को मिला है, जिन्होंने पूरे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष का सम्मान बढ़ाया है, उनसे पहले भी हुआ करते थे, वो पिछलग्गुओं की तरह खड़े होते थे, ये मस्तक ऊंचा करके सीना तान के खड़े होते हैं। और जो आतंकवाद बढ़ाने वाले देश आसपास हैं उनको उन्होंने नाकोचों ने चपवा दिए और चीन जैसा जो अंतर्राष्ट्रीय बुली कहलाता है उसको पीछे हटने को मजबूर कर दिया। तो पूरी जनता जानती है कौन रक्षक है कौन भक्षक है। महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्र सेवा राष्ट्र धर्म बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी कुंवरानी देवनानी जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वह आज महिलाओं को किस प्रकार से नजर से देखती हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता जो महिला है वो माता है, वो दुर्गा का रूप है, जग जननी है, सृष्टि के सृजन करती है और धरती जो है वो भी माता है। और महिला दिवस सिर्फ एक ही दिन नहीं होता, महिला दिवस तो हर दिन है, हर घर में महिला की ज़रूरत है, उसके बिना घर चलता है क्या? जगह जगह देखते हैं कि आजकल महिलाएं थानों में कचहरियों में उत्पीड़न को लेकर बहुत परेशान है, उसको लेकर आपकी सरकार उत्पीड़न को लेकर काफ़ी परेशान है, उसको लेकर उनको लेकर आप देखिए ये तो पहले से भी चलता चला आ रहा है, उसी के लिए तो महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, इसलिए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है महिलाओं ने। और मैं ये देख रही हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका मैंने एक बार भाषण सुना, हम लोग कांग्रेस में हुआ करते थे उस समय, अचानक से टीवी पे एक क्लिपिंग आती है, मैं उसे देखती हूँ। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना और तभी से मैं उनकी फ़ैन हो गई थी कि महिलाओं के लिए उनके मन में कितना सम्मान है। उन्होंने महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ,
बेटी के बेटी बचाओ का जो शुरू किया है, और भी महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं दी हैं आप बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम में कितनी योजनाएं थी महिलाओं के लिए। सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो दिए हैं वो हमारी माताओं बहनों के लिए दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, हर जगह है, लेकिन यह है कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम में मैंने महसूस किया है कि महिलाओं का सम्मान ज़्यादा हुआ है। कुरानी देवयानी का कहना है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को सम्मान देना काम किया है, और आज इसी नज़रिए से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के जो आवास कैंप करल्ले पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं का जागरूक करने के लिए और महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धन्यवाद।